सवाल नंबर एक, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी केरल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। सवाल नंबर दो, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए हो गया नक्कल प्रपात, ऑप्शन बी शिमला प्रपात, ऑप्शन सी जोग प्रपात, ऑप्शन डी कोटालम प्रपात। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जोग प्रपात। सवाल नंबर तीन, निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन ए पाकिस्तान एवं चीन, ऑप्शन बी भारत एवं श्रीलंका, ऑप्शन सी उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया, ऑप्शन डी ब्रिटेन एवं फ्रांस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भारत एवं श्रीलंका। सवाल नंबर चार, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी केरल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। सवाल नंबर पाँच, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? ऑप्शन ए नागासाकी, ऑप्शन बी हांगकांग, ऑप्शन सी टोक्यो, ऑप्शन डी हिरोशिमा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हिरोशिमा। सवाल नंबर छह, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए आयनमंडल, ऑप्शन बी बहिर्मंडल, ऑप्शन सी क्षोभ मंडल, ऑप्शन डी समताप मंडल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी समताप मंडल। सवाल नंबर सात, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरुवार कौन था? ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले। सवाल नंबर आठ, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी भूमि, ऑप्शन सी ध्वनि, ऑप्शन डी जल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ध्वनि। सवाल नंबर नौ, अनमहाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी कौशाम्बी, ऑप्शन सी श्रावस्ती, ऑप्शन डी चंपा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी चंपा। सवाल नंबर दस, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए चक्रवात, ऑप्शन बी ज्वालामुखी, ऑप्शन सी चंद्रमा का आकर्षण, ऑप्शन डी समुद्री सतह पर भूकंप। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी समुद्री सतह पर।